अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई, 600 ट्रकों का चालान, 3 करोड़ की राजस्व वसूली। बुंदेलखंड के जालौन जिले में चल रही अवैध बालू खनन की जानकारी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर और पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सरकारी अमले के साथ कालपी तहसील के कदौरा के बरसई और हेमनपुर व बालू घाटों पर छापा मारा। अधिकारियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई देख बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया और माफिया बालू घाट छोड़कर जंगल में छुपने के लिए मजबूर हो गए। पुलिस प्रशासन ने मिलकर बालू खनन माफियाओं और ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ अब तक बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर बिना रोक टोक के तेजी से ओवरलोड भरे ट्रकों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी था। प्रशासन को ये भी शिकायत मिल रही थी कि कदौरा ब्लॉक में मौजूद बालू घाटों से बालू माफिया अवैध रूप से बड़े पैमाने पर अवैध खनन करवा रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने स्वयं संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह को लेकर संबंधित विभागों के साथ एआरटीओ खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध चल रहे बालू घाटों पर छापा मारा। इस दौरान खनिज माफिया नदी छोड़कर भागते हुए नजर आए, साथ ही प्रशासन के डर से जंगलों में छुप गए। अवैध खनन व ओवरलोडिंग ट्रकों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 87 ट्रकों का चालान किया गया तथा 14 ट्रकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से जनपद के बालू माफियाओं में हड़कंप सा मच गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने बताया कि अवैध खनन की लगातार जानकारी मिल रही थी, जिस वजह से खनन क्षेत्रों में जाकर व्यवस्थापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक 600 ट्रकों का चालान किया जा चुका है, जिससे 3 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतें मिलती रहेंगी। हम लोगों को कुछ दिन से जानकारी मिल रहा था कि थोड़ी अवैध खनन की गतिविधियां हैं और ओवरलोडेड ट्रक्स जो है कदौरा की तरफ से आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो हम लोगों ने SDM कालपी और CO कालपी की टीम बनाई, उन्होंने कुछ कार्रवाई की। और कल ही जो है हम लोग कदौरा की तरफ ही निकले हुए थे, मैं और SP साहब, हम लोगों ने वहाँ निरीक्षण भी किया साथ में, और जहाँ से वो लेके आ रहे थे, जहाँ से ओवरलोडेड ट्रक लेके आ रहे थे, उन्होंने जो है खनन क्षेत्रों के जो व्यवस्थापक हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया गया। लगभग इस महीने जो है 600 से ऊपर ट्रकों का जो है चालान हो चुका है, लगभग 3 करोड़ की वसूली उस पर हुई है, और ये अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि खनन का जो है शिकायतें हमें मिलती रहेगी। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए जालौन से अनुज पाटकार की रिपोर्ट।